अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, न्याजी टीचर से शेर अली आप नाजर है। आज मैं आया हूँ लोक किस्सा में, जहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म की पवेलियन है पंजाब सिंध सरहद बलोचिस्तान के, और यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सकाफत डांस लोक मेले भी हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ये आई थिंक के बलोचिस्तान का, और दूसरी तरफ से ये गिलगित बल्तिस्तान का, ये बाबा जी यहाँ पे मौजूद हैं, डांस कर रहे हैं लोग। डिफरेंट प्रोविंसेस से ये लोग आए हुए हैं, ये बलोचिस्तान का पवेलियन है, ऐसे बलोचिस्तान की सकाफत की ये लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़िले खारन से हैं। कौन सा इलाका है? ज़िले खारन से। खारन से सर, सूबे बलूचिस्तान ज़िला खारन से हैं। भाई भी ज़िला खारन से हैं, वो भाई भी ज़िला खारन से हैं। तो यहाँ पे इनको कितने दिन हो गए यहाँ से आए हुए? तकरीबन 1 तारीख को आए हैं जी। पे भी कर रहे हैं कुछ? पे भी करते हैं यहाँ पे आपको? रक्स करते हैं अपना बलूची साहब किताब करते हैं जी। बेसिकली यहाँ पे बलोचिस्तान और दूसरे जो हमारे प्रेसिडेंट की सकाफत की जो है ये काशी हो रही है, डिफरेंट बलोचिस्तान की सकाफत को जागर करने के लिए ये मौजूद है। ये जो आपका आर्ट है इसको क्या कहते हैं, ये कहाँ का आर्ट है और इस आर्ट को क्या कहते हैं? ये एक स्ट्रिंग आर्ट है, थ्रेड आर्ट भी कहते हैं और स्ट्रिंग आर्ट भी कहते हैं, और हम बलोचिस्तान की तरफ से आए हुए हैं, और ये एक मॉडर्न आर्ट है। ये कोई बलोचिस्तान की तरफ से ये कोई डिपेंड नहीं करता कि वहाँ की आर्ट होगी। इस तरह का जो आर्ट है वो पाकिस्तान के किसी और इलाके में भी है? मैं तो 3 साल से इसी काम पे काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस है हमारा, और इसी तरह मैंने कहीं नहीं देखा है कि कील और धागे का काम हो, ये फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पे हो रही है। नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग से और धागे को मिक्स करके ये बलोचिस्तान का आर्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सारे इलाकों को मैं कवर करूँ। मुख्तलिफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई हैं, मुख्तलिफ इलाकों की इंफॉर्मेशन और ब्रोशर्स भी अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्री भी पेश की जा रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट की। ये ख़ास किस्म की ये जो है आप समझ लें कि झुग्गी है, जो कि आपके जो साहली इलाके हैं वहाँ पे मौजूद होती है, जहाँ पे एक बैठक सी बना लेते हैं लोग, और जिसके अंदर बैठ के वो चिट चैट करते हैं, या कोई इवेंट हो तो उसके बारे में वहाँ पे लोग बात करते हैं। जैसे कि अभी ये कुछ चिट चैट भी कर रहे हैं, साथ साथ गा भी रहे हैं। बलोचिस्तान के डिफरेंट आर्ट है, आर्ट वर्क है ये, जैसे हम मैं तो उसे फुमड़ गाऊँगा, फुमड़ से बनाया हुआ ये, ख़ास इसके जो देही इलाका है वहाँ का है ये। बलोचिस्तान की ये जो है जूते हैं, मुख्तलिफ इनके नक्काशी की गई है, और साथ ये मर्दाना भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैडम है इनसे बारे में, ये बलोचिस्तान के ड्रेसेस हैं, इनके बारे में पूछता हूँ, देखिए वो क्या कहती हैं। इसमें हम एम्बोस कलर यूज़ करते हैं और बहुत मेहनत होती है, एक बनाने में तकरीबन 2-3 दिन लग जाते हैं। ये भी बोस कलर में बनाई हुई है, पेंटिंग की हुई है। ये आई थिंक बर्तन है स्टीम करने के, बारबेक्यू वगैरह के लिए जो भी बना रहे हैं। ये बोर्ड ये कह रहा है कि जी वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन जी। चप्पल कबाब को बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, और ये भी मकामी काबली पुलाव है, ये यहाँ पर बनाया रहा है, बनाया जा रहा है। म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो रहा है साथ साथ, पान बीड़ी का जो ये मुगलिया दौर का जो मिजाज है और बनाने का तरीका है, ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। देखें खुशबू हर तरफ फैली हुई है, मुख्तलिफ तरीके से ये पान बनाया जा रहा है। ठीक है, सिंध पवेलियन की सकाफत में आपको दिखाऊंगा। बुक्स का स्टॉल है जो सभी तकरीबन सिंधी जबान में लिखी गई हैं। ये आई थिंक सिंध की रिलियाँ हैं,
जो मुख्तलिफ पैचेस को कपड़ों को जोड़ जोड़ के बनाई जाती हैं। बहुत खूबसूरत तरीक़ाकार है इसमें नात बनाई जाती है ख़ास तौर पर। ये आप किस तरह से बनाते हैं? मशीन से छोटी छोटी टुकड़ी होती है, टोकरियों में मिलाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी टुकड़ियों को मिला के बनाते हैं। तो ये आप कहाँ से लेते हैं? हम खेड़ापुर से। खेड़ापुर से? जी हाँ। उताक है जी, जहाँ पे मेरे ख्याल में आप समझने की बैठक है, यहाँ पे लोग बैठ के अपना का ये यहाँ का हमाचा है, चारपाई क्यों अम्मा जी जो है ना चरखा कात रही हैं, चरखे से ये बनाई जाती है। से धागा बनाते हैं, धागे से फिर यहाँ से धागा बनाया जाता है और इससे ये खेस वगैरह ये बनाए जाते हैं। ठीक है, सारे जो फनकार हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिंधी ड्रेस पहना हुआ है, सिंधी जो कल्चर है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। पोर्टर वर्क है, मौजूदा रिप्लिका है और खेस हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके हाथ में, बाबा जी के हाथ में। कारपुर का अचार है जो मशहूर है, ये यहाँ का वुड वर्क है जहाँ से इनको काट के ये देखें लकड़ी की सारी ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सुथरा अंदाज में। वाओ, सो ब्यूटीफुल, देखें पूरी पूरी दीवार जो है यहाँ पे रेलियाँ, और ये जो है ना वर्क ऐसा है कि इसके अंदर जो है ना वो शीशे का काम है, शीशे का वर्क है। ये कोशिश करता हूँ कि आपको और भी चीज़ें दिखाऊं, और इसके अलावा रोटी जो है अभी मुझे तंग कर रही है खाने के लिए, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकेंगे बाकी। अल्लाह हाफिज़।